वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन एक बहुत ही कॉमन वजाइनल इन्फेक्शन है जो 75% विमेन को कभी ना कभी अपनी लाइफ टाइम में होता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शिप्रा कुंवर और मैं एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट मणिपाल हॉस्पिटल खराड़ी पुणे में काम कर रही हूँ और आज हम बात करेंगे इसी वजाइनल इन्फेक्शन की। वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन या योनि संक्रमण एक बहुत ही कॉमन फंगल इन्फेक्शन है। इसको कैंडिडियासिस भी कहते हैं और कैंडिडा ऑर्गेनिज्म वजाइना में नॉर्मली भी प्रेजेंट होता है, लेकिन कभी कभी आपको जैसे एंटीबायोटिक्स पे हो या बर्थ कंट्रोल पिल्स पे हो या आपकी इम्यूनिटी कम हो जाने पर ये जो फंगस है ये बढ़ जाता है और इसकी वजह से काफ़ी तकलीफ हो सकती है। वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन होने के बहुत सारे कारण होते हैं। कभी कभी मौसम में नमी होने की वजह से, जैसे कि मानसून के टाइम ये बहुत कॉमन होता है, या फिर आपने अगर अपना वजाइनल एरिया ड्राई ठीक से नहीं किया है, गीलापन रहता है, उसमें भी हो सकता है, प्रेगनेंसी में, डायबिटीज़ में, या फिर अगर आप गर्भ निरोधक दवाइयाँ ले रही हैं या कोई एंटीबायोटिक्स ली हैं, तब वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन के प्रमुख लक्षण होते हैं जैसे कि वजाइना में खुजली होना, वजाइना में बर्निंग होना या जलन होना, एक सफ़ेद पानी आना। सफ़ेद पानी आमतौर से थिक डिस्चार्ज होता है, जैसे कि फटे हुए दूध की तरह। कभी कभी पतला पानी भी आ सकता है। वजाइना में स्वेलिंग होना या वहाँ पे रेडनेस भी हो सकती है। किसी किसी को पेशाब करने में जलन हो सकती है और इंटरकोर्स के टाइम भी जलन हो सकती है। वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन का इलाज वैसे तो ओवर द काउंटर मेडिकेशन भी अवेलेबल है, लेकिन मैं सलाह दूंगी कि आप ओवर द काउंटर इसको ना लें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। डिपेंडिंग कि आपको ये पहली बार हुआ है या अक्सर होता रहा है, आपके डॉक्टर उसको अलग तरीके से मैनेज करेंगे। यदि आपको ये पहली बार हुआ है तो हो सकता है वजाइना में कुछ पेसरीज डाल के या फिर कोई ट्यूब लगा के ये ठीक हो सकता है। यदि ये बार बार हो रहा है तो आपको दवाइयाँ लेनी पड़ सकती हैं और ये कभी कभी काफ़ी लंबे समय तक भी लेनी पड़ सकती हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो ब्लड शुगर कंट्रोल करने से इस इन्फेक्शन को कम किया जा सकता है। अगर आपका नॉर्मल दवाइयों से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है या दिक्कत आ रही है, उस वो इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा है, इन दैट केस कभी कभी हम लोग को वजाइना से वजाइनल स्वाब लेना होता है। इसमें एक स्टिक वजाइना में डाल के डॉक्टर आपका डिस्चार्ज टेस्ट के लिए भेजते हैं और देखते हैं कि कौन सा फंगस है और उसके लिए कौन सी दवा बेहतर रहेगी। तो आप ये भी टेस्ट करवा सकते हैं।